जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल फौजी सफ़र में। जी हाँ साथियों, आपको दिख रहा होगा कि मैं अभी ग्राउंड में हूँ, इसीलिए थोड़ा सा शोर शराबा होगा, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेडमैन की जो रैली भर्ती हुई थी, उसका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। जिन बंदों का रिजल्ट आ गया फाइनल, उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर क्यों नहीं आया। जी हाँ साथियों, तो बने रहें वीडियो के अंतिम तक, देखें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथियों, आज अपन बात करेंगे कि अभी तक जो उनका ज्वाइनिंग लेटर आना था, वो अभी तक क्यों नहीं आया। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि इसमें वॉशरमैन, रेडियो मैकेनिक और आर्मर का, तीन का जो फाइनल मेरिट लिस्ट निकली है, जिनमें फाइनल जिन बंदों का सिलेक्शन हुआ है, उनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी था। लेकिन साथियों, आपको पता ही है, उसमें नर्सिंग का और रेडियो ऑपरेटर का और क्लर्क वाला जो अभी तक नहीं आया है। सबसे पहले तो वो रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट भी अभी मेरे हिसाब से 2-4 दिन में आ जाएगा। लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद ही कोई भी हलचल होगी, वो हफ्ते भर या 10 दिन के बाद में जो ईमेल पे मैसेज आएगा, ईमेल पे मैसेज आने के बाद ही अपने जो ज्वाइनिंग लेटर है वो बाई पोस्ट आएंगे। जी हाँ साथियों, सबसे पहले इनका रिजल्ट, फिर अपने पास ईमेल, ईमेल आने के बाद में अपने पास बाई पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर पहुँचेंगे। तो आप ज़्यादातर YouTube पे देख रहे हो, आपको बहुत सारे लोग भ्रमित कर रहे हैं, तो बस आपको भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ ज्वाइनिंग लेटर का। तो बस आप भी इंतज़ार करिए, आपका सिलेक्शन हुआ है। आप ज़्यादा बाइक वाइक चलाने से बचिए, और कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा चोट वाली जगह पर जाना नहीं है, और अपने शरीर को एकदम स्वस्थ रखो। कहीं भी भाग दौड़ वाली जगह पर मत जाओ, भीड़ भगदड़ वाली जगह पर मत जाओ, जहाँ पर आपको कोई क्षति हानि पहुँच सके। बस घर में ही बैठो, अभी जो वक्त है आपको घर वालों के साथ बिताओ वक्त को, बाद में ऐसा समय नहीं मिलेगा। एक बार ज्वाइन करने के बाद में आपको घर वालों के साथ रहने का मौका भी बहुत कम मिलेगा। तो बस ज्वाइनिंग लेटर को आपको अपडेट मिल गई होगी, ज़्यादा भ्रमित ना हो, बने रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ऐसे ही आपको जानकारी आगे मिलती रहेगी। जय हिंद।